हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव घई एंड आप देख रहे हैं वेब डेवलपमेंट विद गौरव। थंबनेल देख के तो इतना पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मैं रिजेक्ट हुआ इन्फोसिस में। क्यों तो नहीं, जो मैंने एक साइड में लिखा हुआ दैट आई डिमांडेड सम वूफिंग अमाउंट। सो क्या पूरी स्टोरी है ये मेरे सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि कैसे मेरा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो ये बताना है कि जो बच्चे चाहते हैं इन टॉप कंपनीज में काम करना और वो रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा जब भी आप अप्लाई करते हो, तो वो आप कैसे ला सकते हो, वो चीज़ आपको मैं लाइफ प्रूफ के साथ आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। क्या टैक्टिक्स मेरे थे, कैसे मैंने इन्फोसिस जैसी कंपनी से रिस्पॉन्स आया, फिर क्या क्या हुआ, क्या रीज़न था इवन माई रिजेक्शन का। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ गाइस कि सिर्फ एक चीज़ दिखाकर आपको बताना, दूसरी चीज़ ना दिखा के छुपाना एक तरह से वो धोखा ही होता है। तो रिजेक्शन इस वीडियो में टेक्निकली नहीं है, नॉट वीडियो लाइक इन्फोसिस रिजेक्शन का रीज़न मेरा टेक बैकग्राउंड नहीं है, वो कुछ और है। बस आप समझ ही होंगे कि बेसिकली इन एच आर डिस्कशन राउंड देयर वाज सम काइंड ऑफ इश्यूज विच वी फेस्ड। सो क्या थे वो सब इन डिटेल इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ताकि आप अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो अप्लाई करने से पहले। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो गाइज आपको मैं ये बता दूँ कि मैंने अप्लाई किया था अराउंड 26th of September। जैसे आप देख सकते हो डेट, अगेन आपको एक चीज़ में बता दूं कि ये टाइम्स इतने पुराने क्यों हैं। अब आप कहोगे 26 September 2021 की बात तू अब बता रहा है, तो अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैंने जॉब स्विच अक्टूबर नवंबर के ड्यूरिंग करी थी। उससे पहले एक दो महीने पहले मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए कंपनियों में, जिनमें से पेपाल एक कंपनी जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो मेरी रिसेंट वीडियोज़ में, पेपाल, TCS, Jio, इन्फोसिस। सो ऐसी कुछ टॉप कंपनीज मैंने इंटरव्यू दिए हैं, उनका एक्सपीरियंस मुझे पता है कैसे क्रैक करना है वगैरह वगैरह। और ये वीडियो मैं अब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस जब मैंने ज्वाइन करी अपनी नई कंपनी, सो फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं गाइस एक कंपनी ज्वाइन करने के बाद। आप मतलब बेसिकली आप कह सकते हो, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, क्या होता है ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक और आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए ताकि ये चीज़ें आपकी जॉब के ऊपर खतरा ना मंडाता फिरे। सो कुछ गलतियां लोग बहुत करते हैं जॉब लगने के बाद ही, कुछ चीज़ ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से उनको एक इंटीमेशन लेटर या टर्मिनेशन लेटर आ जाता है, तो वो मुझको ना आए। तो इसलिए सेफ्टी के पर्पज़ में मैंने ये सब चीज़ें संभाल के रखी थी कि इनके ऊपर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। सो ये तो हो गया, चलो राम कहानी बता दी आपको कि इतनी पुरानी वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इसमें अप्लाई किया। 26 तारीख को मैंने इसको लिंक्डइन में मैंने इसका देखा था, लिंक्डइन से याद आया गया। सो अगर और ऐसे अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो लिंक्डइन में, जहाँ पे मैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता हूँ। सो मैं लाइक नॉर्मली मुझे स्क्रॉल करते हैं तो इन्फोसिस में सर्च करता हूँ पहले एक बार। मैं इन्फोसिस में गया, यहाँ पे जब जॉब लिस्टिंग के अंदर मैंने देखा कि यार फ्रंट एंड डेवलपर, यार आप कह सकते हो रिएक्ट JS डेवलपर एज इन सीनियर पोस्ट की ओपनिंग निकली हुई है। जैसे आप देख सकते हो अभी भी आई थिंक या एंगुलर JS, रिएक्ट JS की ओपनिंग निकली हुई है। तो सिंपल मैंने क्लिक करा एंड क्लिक ऑन द अप्लाई। सो कुछ इस तरह से स्क्रीन मेरे टाइम में भी खुली थी, जहाँ पे लिखा था सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिएक्ट JS। सो यहाँ देख सकते हो कि हाँ ये भी गाइस ओपनिंग लगी हुई है, फटाफट जाओ अप्लाई भी कर सकते हो अगर आपको करना है अप्लाई। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वर्क एक्सपीरियंस 1 year and above था, मेरे केस में 3 year and above था क्योंकि मैं एज अ सीनियर डेवलपर के लिए मैंने अप्लाई किया था। सो ये सेम इसी तरीके से था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ था। तो मैंने बस सिंपल गया अप्लाई में क्लिक करा, तो जो चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ में करनी होती हैं, साइन लॉगिन, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर आप जाओगे आप आराम से करोगे 10-15 मिनट आपके लगेंगे, आपको पूरा डिटेल फिल करना पड़ता है। या फिर हो सकता है कि आपको सिर्फ अभी ये एक सिंपल रेज्यूम अपलोड कराए, डिटेल आपको बाद में फिल कराएगा। तो ये करने के बाद मुझे आता है ये मेल दैट थैंक यू फॉर अप्लाइंग द रोल ऑफ सीनियर सिस्टम इंजीनियर, योर एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड फॉर द प्लीज नो दैट कैंडिडेट आई डी ब्ला 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 एंड वी विल गेट बैक टू शॉर्टली। 26 तारीख को मैंने अप्लाई किया एंड देन ओके। फिर मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया इन्फोसिस के थ्रू दैट डियर गौरव भाई, ग्रीटिंग फ्रॉम इन्फोसिस टैलेंट, वी हैव रिव्यूड योर प्रोफाइल एंड वुड लाइक टू परस्यू योर एप्लीकेशन फर्दर, हाउएवर वी नीड सम डिटेल्स। सो मतलब यहाँ तक था कि मेरा जो एप्लीकेशन था, जो मैंने एप्लीकेशन फिल किया था,
मेरा वो एक्सेप्ट हो चुका था, मैं शॉर्टलिस्ट हो चुका हूँ इन्फोसिस के इंटरव्यू राउंड के लिए। अब यहाँ पे आगे जाने से पहले आपको मैं अगर अपना रेज्यूम दिखाऊँ पहले, जो कि आई थिंक आप सबसे बहुत बच्चे वेट कर रहे हो, मैं दिखा भी चुका हूँ ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोज़ में, ये मेरा अपडेटेड रेज्यूम है। इससे पहले का जो मेरा रेज्यूम था वो भी मैं अपनी मैं पहले की लाइव स्ट्रीम में दिखा चुका हूँ कि मेरा पुराना रेज्यूम कैसा था, और ये मेरा नया रेज्यूम है जो कि मैंने सिंगल पेज लेआउट में टू कॉलम शिफ्ट करा था, राइट साइड में सिर्फ एक्सपीरियंस ताकि जो मेन चीज़ दिखाने वाली है वो दिखे, और लेफ्ट साइड में जो सिंपल एजुकेशन हो गया, लिंक्स कुछ मेरे प्रोफाइल के लिए, स्किल्स हो गए, तो जो कि इतने रेलिवेंट नहीं है मेरे लिए, मेन चीज़ होती है हमारी एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस डेवलपर हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जगह आप लिखोगे प्रोजेक्ट्स, और यहाँ अपनी आप डालोगे प्रोजेक्ट डिटेल्स। अगर आपको सेम रेज्यूम बनाना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि कुछ इस तरह से खुलेगा, ये जब आप लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको करना है एडिट, एक तरह से कोड है ये, आपको यहाँ पे एडिट करोगे, कंपाइल करोगे, यहाँ पे आपका रेज्यूम बन जाएगा, एंड देन यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। अगेन दिस इज नॉट एनी प्रमोशन प्रमोशनल समथिंग फॉर एनीथिंग, मैं बस जहाँ मैं खुद एडिट करता हूँ पर्सनली मैं वो बता रहा हूँ, आप चाहो तो उसको वर्ड में बना सकते हो, किसी में बनाओ नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ये वो रेज्यूम था जिसने इन्फोसिस जैसी कंपनी मेरे लिए बेसिकली आप कह सकते हो क्रैक करा, जो उनका प्रोसेस होता है, मुझे कॉल वहाँ से आया, कॉल नहीं आया था अब तक मुझे, सिर्फ मैसेज आया था, कॉल नहीं आया था। अगेन गाइस मैसेज आया कि मुझे अब क्या बताना था कि ओके मुझे पता चल गया दैट आई एम शॉर्ट लिस्टेड, देन प्लीज स्वाइप राइट। ओके स्वाइप राइट, ओके या स्वाइप राइट मीन्स एक्चुअली आई थिंक कुछ ये नया सिस्टम निकाला है इन्फोसिस ने, आपको स्वाइप राइट करके कुछ इस तरह से कुछ डिटेल्स अपनी भेजनी होती है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ये इन्फोसिस जैसी कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ और ये ऐसी डिटेल्स मांग रहे हैं, क्या डिटेल्स मांग रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने मुझसे मांगा प्रोवाइड योर परसेंटेज स्कोर्स फॉर 12th डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन सेपरेटेड बाय स्पेस, कुछ इस तरह से मतलब 78 इफ 12th स्कोर इज 78 देन 78 स्पेस एंड ग्रेजुएशन स्कोर इज 72 देन स्पेस 72, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। ओके आपको नंबर भी मेरे पता चल गया, खैर फाइनली। सो 12th में मेरे 67% कुछ आए थे एंड ड्यूरिंग माई कॉलेज आई गॉट 70% ओवरऑल, मैं बता रहा हूँ उसमें। ये मुझे थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत अजीब सा लगा यार, आज तक किसी भी कंपनी में मेरे से नहीं पूछा गया कि आपके परसेंटेज क्या हैं, इवन इन द पेपाल, TCS, रिलायंस जियो एंड बुक माई शो, इन चार कंपनियों में भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं, किसी ने भी आज तक कभी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। और मुझे ये क्वेश्चन और क्यों लगा, वो इसलिए लगा क्योंकि गाइस जिस प्रोफाइल में हम काम कर रहे हैं वहां पे द नंबर्स डजेंट मैटर एट ऑल, मेन चीज होती है आपकी स्किल्स, आपको कितना कोड आता है, आपके में क्या स्किल्स है बेसिकली जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर जरूरी नहीं होते। अब यहाँ पे एक दिक्कत और थी गाइस मेरे लिए, जो मुझे डाउट था कि शायद मैं क्रैक ना कर पाऊँ, जो कि इस चीज को पॉइंट आउट किया गया HR कॉल में, जो कि मैं बताने वाला हूँ। 67 तो मैंने लिखा, पर यहाँ पे मैं ये नहीं पूछा था कि आपकी स्ट्रीम क्या थी। तो ये करने के बाद मुझे फिर एक और मेल आता है, ये दैट वी नीड योर डिटेल्स। तो डिटेल्स मैंने इस लिंक में क्लिक कर, तो अभी एक्चुअली खुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दिखाएगा कि डेट रिस्पॉन्स हो चुका है। ये इन्फोसिस सर्वे का ऑफिशियल साइट है जहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो यहाँ पे एक सर्वे फॉर्म आएगा, आपको पूरा डिटेल भरना पड़ता है, कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे इसमें, आपको एक एक चीज़ आपसे पूछते हैं, मतलब बिल्कुल 10th सब्जेक्ट नंबर, देन 12th सब्जेक्ट नंबर, देन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नंबर, एंड मतलब सब चीज़ें इन शॉर्ट। ये भरने के बाद वहाँ पे एक कॉलम था 12th में कि आपकी स्ट्रीम क्या थी। तो मेरी स्ट्रीम बेसिकली थी आर्ट्स, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ 12th में। मेरे पास ना कंप्यूटर था, ना मैं साइंस से हूँ, ना मैं कॉमर्स विदाउट मैथ से हूँ, मेरे पास मैं सिंपल आर्ट सेक्शन से हूँ। देन आई गो टू BCA फॉर माई ग्रेजुएशन थ्रू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा क्योंकि ये चीज़ें ना कोई नहीं पूछता कि आपकी स्ट्रीम क्या है, आपका क्या है। हर कंपनी में मेन चीज़ फोकस की जाती है आपकी कोडिंग स्किल्स पे, कि आपके स्किल्स बेसिकली किस लेवल पे हैं। एंड अगर आप वेब डेवलपर हो तो मेन फोकस किया जाता है आपकी जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस के ऊपर, अगर आप फ्रंट एंड या किसी वेब डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। खैर कोई नहीं, मैंने फिल कर दिया, सब कुछ हो गया। देन ये मुझे एक्चुअली आया था, मैं आपको बताता हूँ कि 26 तारीख को मुझे आया दैट वी रिसीव्ड एप्लीकेशन, 30 तारीख को मुझको आया सेप्टेम्बर को बेसिकली दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड, देन 1 अक्टूबर को मुझे आया दैट वी नीड योर डिटेल्स। मतलब ये सेटिस्फाइड थे इन नंबर से बेसिकली, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 60+ अगर आपके हैं नंबर 12th
और ग्रेजुएशन में, देन यू वुड बी लाइक ऑलमोस्ट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू राउंड्स। फिर उन्होंने मुझे डिटेल्स मांगी जो कि उन्हें अप्लाई किया। देन उसके 3 दिन बाद, करीबन 3-4 दिन बाद, मुझे कॉल आता है वहाँ से HR का, जो कि मुझे पूरी डिटेल देते हैं कि किस चीज़ के लिए ओपनिंग है, क्या क्या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, क्या वो बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे एज ए डेवलपर। तो वहाँ पे ये पॉइंट उठा था दैट यू डोंट हैव कंप्यूटर्स इन योर 12th और डोंट हैव एनी साइंस बैकग्राउंड, विच इज अगेंस्ट देयर नीड्स, आई थिंक नीड्स और देयर डिमांड, लाइक समथिंग लाइक हुम टू हु कैन अप्लाई दैट सेक्शन। कि वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये मस्ट है कंप्यूटर होना किसी बच्चे के पास। तो वो सुन के मुझे अगेन एक नेगेटिव पॉइंट आया कंपनी के बारे में कि यार इन्फोसिस इतनी रेपुटेड कंपनी होके ऐसी चीज़ों में डील कर रही है कि मतलब आपके आर्ट्स है, आपके ये हैं, आपके नंबर क्या हैं। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर इन्फोसिस में से कोई देख रहा है तो इस चीज़ को प्लीज़ पॉइंट आउट करो अपनी कंपनी के मैनेजमेंट पे कि यार किसी डेवलपर का अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो सकता है कि मैंने साइंस भी लिया हो बट मेरे नंबर कम हो, तो अगर नंबर बेस पर रिजेक्ट करोगे तो ये भी सही बात नहीं है। जब तक आप उसका टेक्निकल इंटरव्यू, प्रॉपर कोडिंग इंटरव्यू राउंड ना ले लो या एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह ना ले लो। सो खैर, उसके बाद आता है हमारा डिस्कशन अराउंड सैलरी को लेके, जहाँ पे आप कह सकते हो आई गॉट रिजेक्टेड और आई गॉट डिनाइड, आई डिनाइड इन द ऑफर में, बेसिकली मैं म्यूचुअल सैलरी नहीं बनी। वो ये था कि सीनियर सिस्टम इंजीनियर के लिए जो एक्सपीरियंस था इनका 3 to 5 years मांग रहे थे ये, तो जिसमें मेरे 2-3 महीने कम पड़ रहे थे, तो ये कह रहे थे चलो ठीक है हम वो एडजस्ट कर लेंगे। देन अगेन मुझे भी कह रहे थे यार हमें चाहिए साइंस और मैं हूँ आर्ट्स, तो कह रहे थे चलो ठीक है हम वी विल सी वट वी कैन डू। देन एट लास्ट वो फिर वो आते हैं सैलरी पैकेज पे, एंड जो सैलरी पैकेज उन्होंने मुझे ऑफर करी, उसके बाद जब मैंने बाकी दोस्तों से बात करी जो कि इन्फोसिस में ऑलरेडी काम कर रहे, तब मुझे पता चला कि कंपनी बड़ी होने से मतलब नहीं होता गाइस, पैकेज हमारा कॉलेज टायर डिसाइड करता है इन कंपनी से, बेसिकली इन कंपनी से मतलब एक जो हब बना हुआ कंपनी होगा। तो ये मुझे बहुत बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा कि यार मतलब ये कॉलेजेस इतना मैटर करता है, तभी ये आपसे इस फॉर्म फिल करते समय कॉलेज की पूरी डिटेल्स भी मांगते हैं। तो वहाँ मुझे पता चला कि अरे क्यों मांगते हैं, कि उस बेस पे आपको ऑफर पिच किया जाता है, आपके पैकेज डिसाइड किया जाता है। तो इन्होंने जो पैकेज मुझे ऑफर किया वो था 10,50,000 समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, माई कॉलेज एंड फ्रॉम बिकॉज ऑफ माई आर्ट्स। वो भी कन्फर्म नहीं था, HR सेड दैट वी आर नॉट श्योर दैट यू विल बी एक्सेप्टेड बिकॉज द 12th आई हैड आर्ट्स, सो दे विल कन्फर्म दैट एंड विल लेट मी नो। सो वो तो अलग बात है, बट अगेन द सैलरी पैकेज उन्होंने बताया, तो उसके बाद तो मैंने मतलब वैसे ही कह दिया जयराम जी की वो इसलिए, क्योंकि अगेन गाइस क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ क्वांटिफाई में, वो ऑलरेडी मुझे इससे बहुत ही अच्छा पैकेज मैं उठा रहा हूँ उधर, मैं बेसिकली मुझे ऑफर मिला था क्वांटिफाई में वो इससे बहुत बेटर था, मैं क्यों उसमें जाऊँगा, मुझे क्वांटिफाई से इतना अच्छा ऑफर आया हुआ है। सो वैसे ही नहीं भाई सैलरी को लेकर डिस्कशन। तो और अगेन उन्होंने मुझे नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे लगे कंपनी के बारे में आपको उन्होंने बता दिया इस वीडियो में। तो ये तो हो गया सारे हमारे जो मुझे जो बेसिकली मेरा रियल एक्सपीरियंस था इन्फोसिस पूरा ये इंटरव्यू राउंड को लेके। अब अप्लाई आप कैसे करोगे, मैंने आपको पूरा को बता दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको रेज्यूम बनाना है, बेसिकली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप पूरा वहाँ फिल कर सकते हो। अगर आप इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसे मीट करते हो, देन इफ़ यू गेट क्वालिफाइड देन बेस्ट ऑफ लक, गुड द इंटरव्यू। कंपनी इज रियली अमेजिंग, दैट्स नॉट अ डाउट, द कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट अगेन जो कुछ चीज़ें मुझे नेगेटिव लगी मैंने वो सब अपने अपने पर्सनल व्यूज़ मैंने शेयर करे हैं, कोई इसमें वो नहीं है, किसी को अच्छी लगती है इसको अच्छी नहीं लगती, तो मैंने जो था मैंने बता दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गॉट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई इन इन्फोसिस। ऐसी वीडियो और चाहिए तो फटाफट लाइक करो एंड सब्सक्राइब तो कर ही लो, वेट किसका कर रहे हो यार, मतलब यहाँ तक देख ली वीडियो सब्सक्राइब तो बनता ही है यहाँ पे हमारा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सबसे पहले न्यूटन स्कूल जरूर चेक कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है कैसे आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, कैसे आपका रेज्यूमे होना चाहिए, क्या आपके प्रोजेक्ट बनने चाहिए, क्या आपको पूरा रोड मैप होना चाहिए। तो बेसिकली न्यूटन स्कूल लेके आ चुका है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जो कि अराउंड 6 महीने का कोर्स है, फ्री कोर्स है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 0 upfront fees फॉर द होल कोर्स। इस कोर्स में आपको पूरा गाइड किया जाएगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए गाइड किया जाएगा, इवन प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी। अब आप कहोगे यार ये क्या बात है,
फ्री में कैसे? सो बेसिकली इनका जो मॉडल है वो ये है कि पहले आपकी प्लेसमेंट कराएंगे जिसमें मिनिमम आप यहाँ दे सकते हो 5 लाख पैकेज पर एनम का, उसके बाद ही आपको उसमें से कुछ फीस पे करनी है जिसकी डिटेल पूरी आपको एनरोलमेंट से पहले मिल जाएगी। मतलब आपको स्टार्टिंग में कोई फीस नहीं देनी, पूरी आप ट्रेनिंग लोगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाओ करोगे, देन प्लेसमेंट बैठोगे, जॉब लोगे मिनिमम 5 लाख पर पैकेज का, उसके बाद आपको फीस पे करना है। सो फुल सिक्योर है, कोई भी इसमें आपको 1% भी रिस्क फैक्टर नहीं है इसके अंदर, आपके स्टार्टिंग में 1 रुपये भी इसमें नहीं लगेगा। सो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक खोलो, कॉलेज का नाम डालो, पास आउट सबमिट दैट्स इट, उसके बाद आपका नाम ईमेल मांगेगा ये, वो फटाफट डाल देना एंड आपका फॉर्म फिल हो गया। सो फटाफट जाओ एंड रजिस्टर नाउ।